लिया ज्वाइंट, अब इसके बाद चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार चेन बनाया, सेम जगह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे। बना लिया, अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये तीन चैन में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाया। अब चौथे वाले चैन में क्या करेंगे, यहाँ पे दो डबल क्रोशे बनाएंगे। बना लिया, और फिर इसके बाद जो यहाँ पे हम टोटल 14 चैन बनाएंगे, सॉरी 6 चैन बनाएंगे, 6 चैन बना के और इसके नेक्स्ट वाले चैन में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दो, दो डबल क्रोशे बना लिया यहाँ पे। अब फिर से हम यहाँ पे तीन जो डबल क्रोशे है उसमें एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दो तीन, तीन में हमने तीन बना लिया, चौथे वाले में दो डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे, इसमें दो डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दो, दो इसमें भी बना लिया। अब फिर से हम छह चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाया। अब फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में फिर से दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो, दो हमने इसमें भी बना लिया। ऐसे ही करके हमें ये पूरा राउंड बनाना है यहाँ तक। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिया, अब इसको यहाँ से धागा को ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे धागा को ज्वाइंट कर लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ से धागा को कट कर लेंगे और फिर दूसरा वाला धागा ज्वाइंट करेंगे। फिर से हम रेड वाला यहाँ पे धागा को ज्वाइंट करेंगे। इसको हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करके चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार चैन बनाएंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम पूरा नहीं बनाएंगे, एक जो धागा होगा ना उसे क्रोशिया में ही छोड़ देंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, दो बार बनाएंगे और एक बार क्रोशिया में छोड़ देंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी वही करेंगे सेम। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में ट्रिपल क्रोशिया लिया, दो बार बनाया, एक बार क्रोशिया में छोड़ दिया। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में, ऐसे ही हम लास्ट तक यहाँ पर जो ये एक है इसमें पूरा बनाएंगे। ये देखिए हमने पूरा बना लिया, अब इन सबको एक साथ बना लेंगे। बना लिया, इसके बाद चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन बनाएंगे और ये जो चैन वाला स्पेस है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर से छः चैन बनाएंगे, छः चैन बनाया। अब इसके बाद फिर एक ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और जो ये अब इसके नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है इसमें हम पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर इसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। जैसे हमने शुरू ये पहला वाला डिज़ाइन बनाया था ना, वैसे ही इसको भी कंप्लीट करना है। हर एक चैन में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, लेकिन इसको दो बार ही बनाना है। जो तीसरा वाला है उसको क्रोशिया में ही रहने देना है। हम सब सारा बना लेंगे तब एक साथ इन सबको एक एक जो हम बचा रहे हैं ये क्रोशिया में उन सबको एक साथ बनाएंगे। तो देखिए ये बना लिया एक साथ यहाँ पर सबको। अब इसके बाद फिर छः चैन बनाएंगे, छः चैन बना के यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर से छः चैन बनाएंगे। अब फिर ऐसे ही हम ये जो बाकी के डिज़ाइन हैं इनको कंप्लीट करेंगे सेम ऐसे ही। तो ये देखिए हमने ये पूरा बना लिया यहाँ तक। अब लास्ट में भी हमने छः चैन करके कर लिया है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे। कर लिया ज्वाइंट, अब क्या करना है यहाँ पे, जो हमारे पास ये चैन वाला स्पेस है ना, इस सब में हमें एक एक यहाँ पे सारे स्पेस में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जो ये पहला वाला स्पेस है इसमें 9 सिंगल क्रोशिया बनेगा। आपके अगर जितना भी यहाँ पे होता है उतना आप बना सकते हैं। मेरे में एक में टोटल 9 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना हुआ है। ये देखिए ये पूरा स्पेस फिल हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे स्पेस में जाएंगे और यहाँ भी हम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें सब में सारे स्पेस में सेम ही सिंगल क्रोशिया बनाना है।
ये देखिए इसमें भी हमने 9 सिंगल क्रॉस ये बना लिया। अब फिर इसके बाद इसके नेक्स्ट स्पेस में बनाएंगे सेम ऐसे ही। तो अब मैं ये पूरा बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पूरा बना लिया और धागा में कट कर दिया। इसके बाद इसके बाद फिर से येलो वाला धागा ज्वाइन करना है। इसको हम कहीं भी इस वाले स्पेस से ज्वाइन करना है। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ से धागा को कट कर लेंगे। ये देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट करके हमने धागा को कट कर लिया है। अब फिर से हम इसमें रेड वाला धागा ज्वाइंट करेंगे। इसके जो स्पेस है यहाँ पे दो चैन का, वहाँ पे इसको ज्वाइंट करेंगे, सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। कर लिया ज्वाइंट। इसके बाद एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे और इसी स्पेस से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक दो हो गए और एक और बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, ये बना लिया। अब इसके बाद तीन चैन बनाएंगे। एक दो तीन, तीन चैन बनाया और जो ये दो है इसको ऐसे पकड़ के और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से दोनों को बांध लेंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बना के फिर से जो ये स्पेस दिख रहा है यहाँ पे दो डबल क्रॉस ये तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे। पहले एक दो तीन, तीन डबल क्रॉस ये बनाया। इसके बाद दो चैन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में और तीन डबल क्रॉस ये बना लेंगे। एक दो तीन, ये तीन बना लिया। इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर ये जो दो दिख रहा है इसको सिंगल क्रॉस ये से बांध लेंगे ऐसे और फिर से तीन चैन बनाएंगे। बना लिया। फिर जो ये स्पेस दिख रहा है इसमें पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाएंगे और फिर तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं पूरा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा बना लिया और धागा को कट कर लिया। अब इस पर फिर से येलो वाला बनाएंगे। फिर हमने जो ये दो लाइन बनाया था ना येलो वाला, सेम वैसे ही यहाँ पे रिपीट करना है। तो इसको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे स्पेस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तीन चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वाले को मिला के तीन हो जाएगा ये। एक दो तीन, तीन हो गया। अब इसके बाद दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे इसी स्पेस में तीन डबल क्रोशिया और बना लेंगे। एक दो तीन, ये तीन बना लिया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे छह चैन बनाएंगे।
एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन बनाएंगे। फिर जो ये नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे हम फिर से तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे पहले, फिर दो चेन बनाएंगे और फिर से तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे। ये तीन बना लिया, अब इसके बाद दो चेन बनाएंगे और फिर इसी स्पेस में तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे। एक दो तीन, ये तीन बना लिया। अब इसके बाद फिर से छः चेन बनाएंगे, बना लिया। अब ऐसे ही करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगा सेम ऐसे ही बनेगा तीन, और इसके बाद जो फिर तीसरे वाले लाइन में ये रेड वाला बनेगा उसमें चार डबल क्रॉस ये बनाएंगे। फिर उसके बाद हमें अगर इसको बड़ा बनाना हो तो चार के बाद फिर हम येलो वाला चार, चार वाला दो राउंड बनाएंगे, फिर जो रेड वाला है वो पाँच वाला बनाएंगे एक। ऐसे ही करके हमें ये पूरा थालपुस कंप्लीट करना है। तो मैं थोड़ा सा और बना के दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया, कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरा जो येलो वाला ऊन है थोड़ा पतला है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, वरना बहुत ही ये सुंदर थालपुस बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने तीन वाला किया, फिर जो रेड वाला है वो चार वाला है। अब इसके बाद जो येलो वाला बनेगा चार वाला दो लाइन बनेगा, फिर रेड वाला पाँच वाला एक लाइन बनेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक जरूर करना।